नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम देवेंद्र राठौर है। आप लोग इस 1000 पाउंड का एक कंप्रेसर लेके आया था, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था इसकी मैं फिटिंग करूंगा तो आप लोगों को एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। तो इसकी आज मैं फिटिंग कर रहा हूँ 1000 पाउंड का टैंक का। उसमें दोस्तों करीब क्या है, मैं 4-5 वाल का सिस्टम बनाऊंगा, तो इसमें अपनी 4-5 पाइप आराम से फंस जाएँ। तो ये टी और एक चौकड़ी इसमें लगेगी और ये वॉल होती है जो हवा को बंद करके चालू करनी पड़ती है, और इसमें ये 1.5 इंची का होल होता है जिसमें अपनी सॉकेट कसती है जो हवा को टंकी के अंदर रोक के रखती है। और ये 1000 पाउंड की घड़ी है और उसमें कुछ ये सामान है, सेफ्टी वॉल और वॉल। उसकी दोस्तों जितनी फिटिंग करूँगा ना मैं, वो सारी में टेबलोन टेप और अपने धागे से करूँगा। 80% मैं धागे का उपयोग करूँगा और इस टाइप से इसकी फिटिंग करूँगा दोस्तों। जहाँ जहाँ बारीक चूड़ी होती है वहाँ मैं टेबलोन टेप का इस्तेमाल करूँगा, जैसे अपनी घड़ी हो गई और ये सेफ्टी वॉल, और नीचे पानी निकालने के लिए जो वॉल रहती है उसमें टेपलोन टेप का उपयोग करूँगा, क्योंकि इसमें बारीक चूड़ी रहती है तो चूड़ी कटने का डर ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और स्किप ना करें। मैंने इस वीडियो को खुद फॉरवर्ड कर दिया है जिसमें आप लोगों को समझ में भी आता रहे और ज़्यादा समय बर्बाद आप लोगों का ना हो। अभी तो इनको क्या फिटिंग नहीं की, मैंने टेम्पलेट आप लोगों को फंसा के रख दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर दोस्तों। इसकी 1.5 इंची का होल रहता है इसमें, ये 1.5 इंची का सॉकेट फंसता है। ये हॉक्स निपल दिख रही है आप लोगों को, हैक्स निपल, ये 1.5 इंची की होती है। 1000 पाउंड के टैंक में अक्सर 1.5 इंची ही हैक्स निपल का छेद देते हैं, तो ये उसमें घस जाती है। और दोस्तों मैं भरम में से जो कसता हूँ मैं धागे से ही इस्तेमाल करता हूँ, और धागे से ही भरम ऐसा कसता हूँ इनको। या टेपलोन टेप सही से काम नहीं करता और एक ही बार उपयोग आता है, कभी कभी लीक कर जाता है, तो इसलिए मैं धागे का ही इस्तेमाल करता हूँ हमेशा। आप लोगों ने इतनी वीडियो में देखा होगा मेरे, मैं धागे का ही इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। दोस्तों इसकी फिटिंग की है, ये मैं हर बार धागे से करता हूँ। ये दोस्तों धागे के साथ में क्या, थोड़ा ऑयल लगा देते हैं तो ऑयल के साथ ये सही से सेट हो जाता है धागा। क्या दोस्तों मार्केट में 10 रुपये का अपन को मिल जाता है, 10-20 रुपये का धागा ही खर्च होता है। और टेपलोन टेप क्या दोस्तों 200-300 रुपये का ही लग जाए तो भी कम पड़ता है, क्योंकि यदि लीक करता है तो दोबारा उपयोग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों। इस पे वॉल नहीं लगा रहे हैं भाई लोग, इस पे क्या है अपन 1/2 पौन का एल्बो लगा दे रहे हैं, जिससे थोड़ा ऊंचा हो जाएगा अपना, क्योंकि वॉल में वो लंबा पड़ता तो टूटने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए इस पे एल्बो लगा के ऊंचा ले लेंगे अपन इसको। तो एल्बो से क्या होगा, ये टूटेगा नहीं और बार में अपन को खोलने में भी सहूलियत रहेगी इसमें, क्योंकि नहीं तो निपल अपन जो लगाएंगे वॉल की चूड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वॉल पीतल की आती है। तो ये अच्छा सिस्टम रहेगा। और इसको दोस्तों हर बार क्या करते हैं, हैच निपल लगा के और इसको चेक कर लेते हैं, एक वॉल लगा लेंगे और पूरा चेक हो जाएगा अपना सही से, इसमें हवा भर के चेक कर लेते हैं दोस्तों। मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ, यही सिस्टम मुझे अच्छा लगता है। ये दोस्तों उसके ऊपर एक वॉल लगा देंगे तो वॉल से क्या होगा, सही से काम करने लगेगा और धागे से ये हवा लीक नहीं होती है। मैं करीब 5-6 कंप्रेसर जितने भी सेट कर चुका हूँ उनको धागे से ही इस्तेमाल करके यूज करता हूँ। सभी कंप्रेसर में मैंने जितने भी कंप्रेसर सेट किए मैं धागे का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। हाँ, जिसमें बारीक चूड़ी रहती है उसमें मैं टेपलोन टेप लगा देता हूँ। ये दोस्तों पीछे से है, इसमें अपन हवा भर भी सकते हैं इधर से और इसको पीछे की वॉल को बंद कर देंगे। इसमें क्या है दोस्तों, ये 1/4 इंची की होल दिया हुआ है इसमें जो हैक्स निपल कसेगी। ये बहुत छोटी चीज़ें रहती हैं दोस्तों, ये मिलती नहीं है, इनको मैं साथ में ही लेके आया था सभी चीज़ों को। इनको दोस्तों बहुत हल्के हाथ से कसना पड़ता है, क्योंकि पीतल की रहती है तो पट्टे टूट भी जाती है।
एक कंप्रेसर अपन को दूसरे भाई को देना है, तो चेक कर इसको सेट कर रहे हैं अपन, क्यों आप लोगों को पता है कि मैं ये कंप्रेसर बेचता रहता हूँ, बुलाता रहता हूँ सिप लोकल में। जैसे जैसे एक घड़ी है दोस्तों, इसकी घड़ी को क्या करेंगे अपन, टेप ऑन टेप से ही लगाएंगे, क्योंकि इसकी बारी चुड़ी रहती है। हाँ दोस्तों, लेकिन एक चीज़ और है, इसमें भी क्या पीतल की चूड़ी रहती है, तो पीतल की चूड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है ना, इसलिए टेप ऑन टेप कम लगाएं, और बारीक चूड़ी है तो टेप ऑन टेप से ही अच्छा करें तो अच्छा बेस्ट रहेगा, उसी से पैक सही हो जाती है ये। और इसको दोस्तों हल्के हाथ से कसना रहता है घड़ी को, क्योंकि जरा सी चूड़ी बेंड होगी तो ये घड़ी ख़राब हो जाती है दोस्तों। इसको बहुत हल्के हाथों से कसना रहता है, जितने कसा है उतने में ही ठीक रहो। ये सब सिस्टम इसलिए कस रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे चेक करना है कि अपनी वॉल वगैरह अपने जहाँ लगाई है तो वो लीक तो नहीं कर रही है। और दोस्तों एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा आप लोगों को सेफ्टी वॉल का, ये सेफ्टी वॉल को फिट कैसे करते हैं, उसका कंप्रेसर हवा कैसे रोकते हैं अंदर, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। ये दोस्तों नीचे पानी निकालने के लिए सेफ्टी वॉल लगी है, इसमें आके अपना हवा भरते हैं। तो दोस्तों देखो ये आवाज़ आ रही है, और ये टंकी हवा अपनी भरा रही है। अब अपने को चेक ये करना है कि कहीं से लीक तो नहीं कर रही है। खाली प्रैक्टिकल के लिए कर रहे हैं अपन ये। तो दोस्तों देखो ये लीक कर रही है इधर से, है ना, और ये लीक कर रही है इधर से, ये तो बंद हो जाएगी अपनी, इधर से लीक कर रही है, उधर से लीक कर रही है, इसलिए इसमें थोड़ी अपन ने हवा भर ली है। दोस्तों क्यों क्या है, चेक करना है अपन को खाली प्रैक्टिकल करने के लिए, कहीं से लीक नहीं कर रही है क्या ना, अपन ने पूरा सिस्टम फिट कर दिया, और दोबारा लीक करेगी तो अपन को बाद में प्रॉब्लम होगी सब सिस्टम को खोलने के लिए। तो उसको दोस्तों चेक करने का तरीका ये है कि अपन शैम्पू एक बॉटल में घोल लें और शैम्पू से चेक करें, तो शैम्पू से चेक करने में क्या होगा, जरा सी भी हवा लीक होगी तो वो बबल बना देगी, गुब्बारा टाइप की फूल जाएगी, तो उससे अच्छे से चेक हो जाती है दोस्तों। और बाकी कस के देख लेते हैं अपन, तो शैम्पू से अच्छी तरह से चेकिंग होती है, एक बॉटल में घोल के शैम्पू से चेक कर सकते हैं अपन कि वॉल ठीक हो गई है, ये अब लीक नहीं करेगी इधर से, क्योंकि अच्छा टाइट कर देंगे तो लीक नहीं करेगी। और इसको दोस्तों कभी भी आप लोग कसें तो हल्के हाथ से कसें, क्योंकि ये एल्युमिनियम की होती है तो उसके टूटने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है, ये अपनी घड़ी थी इसकी जो 1000 पॉइंट वाली, ये घड़ी साली ख़राब निकली है, ये काम नहीं कर रही। तो अभी मेरे पास एक दूसरी घड़ी पड़ी हुई है, तो वो भी ख़राब थी, उस घड़ी को मैं प्रैक्टिकल करने के लिए इस पर एक वॉल के द्वारा, वॉल जिसको बोलते हैं हवा खोलने वाली, वैक्स निपल के द्वारा उसको कस देंगे, उसके ऊपर घड़ी लगा देंगे, सिर्फ खाली अपन को प्रेशर चेक करने के लिए कितने टाइम कितना प्रेशर बन चुका टैंक में, तो उससे वॉल बंद कर देंगे, और दोबारा जब घड़ी आएगी तो उसी वॉल के ऊपर उस घड़ी को अपन कस देंगे, क्योंकि बाद में फिर अपन को टैंक खाली करना पड़ेगा, तो टैंक खाली करने में बहुत महंगा पड़ता है, तो ये वाली वॉल अपन इस पर एक लगा देंगे, उसके ऊपर घड़ी लगा देंगे। दोस्तों इस सेफ्टी वॉल जो होती है अपनी, इसको हवा रोक के रखती है, इस पर ये ओवर हवा हो जाती है तो ये हवा निकाल देती है, अपन इसको हिंदी में छिकनी बोलते हैं। दोस्तों इसका एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि इसको सेट कैसे करते हैं, कभी कभी मेरे पास कमेंट आता है भाई लोगों का, और फ़ोन भी आता है कि भाई हमारी हवा टंकी में 150 पॉइंट या 200 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बन रही है, उसको ज़्यादा हवा भरने के लिए हमको क्या करना है, तो उसका एक वीडियो मैं अलग से आप लोगों को बना दूंगा, और आप लोग देख सकते हो वीडियो में भी मैंने इसको सेट किया है, इसको ज़्यादा मैंने स्किप नहीं किया, फास्ट नहीं किया वीडियो को, इसको कैसे टाइट करते हैं अपन, तो जिस भाई को समझना हो तो उसमें समझ भी सकता है कैसे क्या टाइट करते हैं अपन इसको। इसका एक वीडियो मैं आप लोगों को अलग से बना दूंगा, और एक निशान लगा के बताऊंगा कितने पॉइंट पर इसको सेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको करीब 300 पॉइंट पर सेट किया है, क्योंकि मैं इसमें हवा भर चुका था टैंक में, वो वाला टैंक से टैंक में हवा भरी थी, तो उसमें 300 पॉइंट थी, उसमें 300 पॉइंट मतलब मैंने हवा भर ली थी, ये मैं इसको इसलिए उठा कर देख रहा हूँ दोस्तों कितनी पॉइंट इसमें हवा हो गई है, तो उसका एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अलग से ज़रूर बनाऊँगा दोस्तों।
बिल्कुल, क्या स्प्रिंग लूज रहती है तो जल्दी ये हवा निकल जाती है, इस पर थोड़ा स्प्रिंग को हार्ड भी करना पड़ता है, नहीं तो उसके अंदर एक वॉशर रख देते हैं तो वॉशर के द्वारा ये सही से काम करने लगती है। उसका वीडियो मैं अलग से आप लोगों को जरूर बनाऊंगा। दोस्तों ये लास्ट है अपनी, ये कंप्रेसर फिटिंग कंप्लीट हो गई है, बस यही बार एक लास्ट बचता है ये पीस, पूरा कंप्रेसर अपना फिट हो गया। ये वॉल लग गई है, एक वॉल ये लग गई, एक वॉल ये लग गई, एक वॉल ये लग गई, ये टी वॉल लग गई और ये पाइप के लिए लग गया अलग से सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि ये सिर्फ पूरी फिटिंग मैंने खुद की है, और क्या मैं धागे से ज़्यादा फिटिंग करता हूँ, जो धागे से क्या खर्चा भी कम आता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये धागा है पूरा इस टाइप से, ये 10 रुपये का मिल जाता है मार्केट में पूरी पिंडी की पिंडी हार्डवेयर की दुकान पर, उससे पूरी फिटिंग करता हूँ दोस्तों मैं। मैंने ये वाला कंप्रेसर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस कंप्रेसर की फिटिंग मैंने खुद पूरी धागे से की थी, ये देखो इस टाइप से। और कहीं कहीं टेप ऑन टेप लगाता हूँ, जैसे कि ये वाली बॉल हो गई, इसमें क्या ये बारीक चूड़ी रहती है तो टेप ऑन टेप लगता है, बाकी सभी जगह मैंने पूरा धागे से इस्तेमाल की है। इस पर भी देखो दोस्तों, ये वाली बॉल पर भी पूरा धागा ही लगा हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।